हम पत्ता गोभी को काट चुके हैं, अब मिक्सी जार लेंगे और उसको पीस लेंगे। तो हम मिक्सी में पेस्ट कर चुके हैं गाजर और पत्ता गोभी। तो हम इसमें अब मिलाएंगे मसाले। बारीक हो चुका है बिल्कुल, देखिए। अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अच्छे से सब मसाले को मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला, इसमें ऑलरेडी बहुत पानी हो गया है बंदा गोभी में, तो हम अब डालेंगे कॉर्नफ्लावर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। हमने ये छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं, ये अब इनको फ्राई करेंगे फ्राई पैन में। तो चलिए फ्राई करते हैं। फ्राई कर देते जब कलर ब्राउन हो जाए तो बाहर कर लेंगे इनको, ब्राउन कलर के हो जाए जब तक फ्राई करेंगे अच्छे से बॉलों को। तो बॉल गोला हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। ब्राउन कलर आ गया है देखिए, तो चलिए हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी। तो आइए देखते हैं, था उसी में हम बनाने जा रहे हैं। तो अब मैं काट के रखे हैं कैप्सिकम, मिर्ची हरी, प्याज और लहसुन बारीक। तो हम लहसुन देंगे तेल में, ब्राउन कलर फ्राई हो जाना चाहिए, तो इसमें कलर आ जाएगा 2 सेकेंड के लिए। तो इसमें हम प्याज डालेंगे, तो लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को 5 सेकेंड फ्राई करने के बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसको अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे। प्याज अच्छे से भून गए, अब इसमें टमाटो सॉस देंगे।
तो ये फ्राई हो चुका है। हम एक तो चटनी बनाए हैं, इसमें हरी मिर्ची, धनिया और लहसुन को पीस लिए हैं और सॉस सोया सॉस मिक्स कर लिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, अब ऐड कर देंगे इसको। इससे इसको डालने से स्वाद बढ़ जाता है वेज मंचूरियन का। तो टेस्ट के लिए इसको डालते हैं, अच्छा लगता है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर के घोल को देंगे। हेलो फ्रेंड, हम इस बॉल को ग्रेवी में दे देंगे। तो देखिए ग्रेवी डाल दे रहे हैं, चलाएंगे अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्रेवी में उतना ही पानी डालना पड़ता है क्योंकि ग्रेवी जो बॉल होते हैं वो पानी सोख लेते हैं, इसलिए अच्छे से पानी देना पड़ेगा। तो फ्रेंड हमने वो बाउल ग्लो दे दिए हैंगे ग्रेवी में, तो बाउल ग्लो ग्रेवी सोख लेता है पानी, इसलिए अच्छे से पानी चट करके देना पड़ेगा ग्रेवी में। तो देखिए अभी 10 मिनट तक उबलेगा, इसके बाद हमारा रेडी है हमारा वेज मंचूरियन। देखिए तो वेज मंचूरियन बनाना बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ट्राई करिए घर में बनाने के लिए। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।